बोल रहे हैं बंद करके आ जाएंगे, बता दो सही बंद करके आ जाएंगे। इस सीन में कुछ ऐसा हो रहा है कि हम लोग सब कुल देवी माँ के दर्शन के लिए निकले हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं एक गुंडों की गाड़ी खड़ी है, तो दर्शन हो जाते हैं बट हाँ कुछ ना कुछ जर्नी में अप्स एंड डाउन या कुछ उतार चढ़ाव ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो सडनली कुछ गुंडे आ जाते हैं, अभी तक पता नहीं है हमें कि वो गुंडे हैं कि नहीं है क्योंकि हमारी मदद करने आए हैं बेसिकली वो। सो देखते हैं कि रणवीर सुमन के साथ क्या होने वाला है आगे। रणवीर और सुमन की इस कुलदेवी की जर्नी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं हमें भी नहीं पता। तो मतलब इन गुंडों को कुछ आगे और देखने मिलने वाला है या फिर पता नहीं यार, इनके साथ कुछ अगर लड़ाई हुई तो मैं आपको रणवीर बिल्कुल नहीं दिखेगा। नहीं जोक्स अपार्ट, बट आई गेस कुछ बहुत ही ड्रामेटिक सीन आने वाला है आगे जो ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। आई थिंक एक अलग ट्रैक पे निकले हम लोग बिकॉज लोग इतना पसंद कर रहे हैं रणवीर और सुमन को, तो आई एम श्योर कि चैनल चाहते हैं कि कुछ और मोमेंट्स कुछ और केमिस्ट्री निकल के आए, तो इसीलिए हम लोग सब लोग घर से थोड़ा बाहर निकले हैं और इतनी अच्छी लोकेशन आप देख रहे हैं हम लोग फिल्म सिटी में शूट कर रहे हैं। बट आई जस्ट होप कि जो एक अलग चीज़ हम कुछ करना चाह रहे हैं रणवीर सुमन के साथ वो लोगों को बहुत पसंद आए। शो का नाम है एक विवाह ऐसा भी, विवाह भी होने वाला है, विवाह की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उस बढ़ने की तैयारी में जो चीजें हो रही है ना उसी को आप लोग देखेंगे कि कैसे रणवीर और सुमन कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें उनके साथ होती है और उनका थोड़ा रोमांस देखने को मिलेगा, तो ये ट्विस्ट एंड टर्न्स एंजॉय करेंगे लोग शादी होने से पहले। अभी तक लोगों ने सिर्फ रणवीर की तरफ से झुकाव देखा है, अब मेरे ख्याल से वो सुमन की तरफ से भी देख सकते हैं। सो आई जस्ट होप कि वो दिखे और जब दोनों को प्यार होता है तो वो जो केमिस्ट्री निकल के आती है उसको देखने में बहुत मजा आएगा। व्यूअर्स को हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप लोग हमें बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। आप ऑलरेडी हमें इतना प्यार दे रहे हैं तभी हम दोनों की जोड़ी आप सभी ने इतनी अच्छा मतलब पसंद की।